सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वाद सफर और ज़िंदगी। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वारमेसली है, इसे वारमेसली का उपमा भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी इसलिए है क्योंकि बच्चों के लंच में आप इसे बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बच्चों को मैगी तो बहुत पसंद होती है, पर मैगी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। इसे आप बनाइए, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालिए और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और इसमें हमें ना इसे पहले उबालना है ना भूनना है, बिल्कुल डायरेक्टली मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज ली है। ये गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं। इन सब के अलावा अगर आप इसमें कुछ और सब्जियां भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर हरी मिर्च ना डालना चाहे तो उसे मत डालिए। इन सबको मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, 2-3 चम्मच ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है और उसके बाद इसमें ये कड़ी पत्ता मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन भी डाल दूंगी। अभी ठंड का सीज़न है, बहुत सारी सब्जियाँ आ रही है, तो खूब सारी सब्जियों के साथ इसे बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। और जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं उन्हें खिलाने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। अभी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है तो मैं इसमें ये सारी सब्जियाँ एक साथ ऐड कर दूंगी। हमें कुछ भी चीज़ अलग अलग से भून के घंटा भर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ डाल देंगे और एक साथ ही अच्छी तरीके से भून जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैं इसको आपको बनाना बताऊंगी, 5 से 6 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। कुछ भी हमें अलग से नहीं करना है, सब मैं एक साथ करते जा रही हूँ और एकदम खिली खिली हमारी वारमेसली बनेगी, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगी। तो इसे 2-3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे, गैस की फ्लेम हाई है और सब्जियाँ बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए इसका जो ढक्कन लगा दूंगी मैं, उसमें भाप में ही अच्छी तरीके से गल जाएगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसका कैप लगा दिया था, अभी अच्छी तरीके से गलने लगी है। और अगर आप इसमें चाहें तो पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं। गाजर अच्छी तरीके से पक गए हैं तो इस टाइम पे मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। मैं इसमें हल्दी और नमक के अलावा और कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। बहुत से लोग इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं और भी दूसरे गरम मसाले डाल देते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ इन 2 चीज़ों में इसे बनाऊंगी और ये इतनी टेस्टी बनेगी। तो अब इस मसाले को डाल के, हल्दी और नमक को, इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये वर्मेसली मैंने ली है, ये पैकेट मिलता है मार्केट में, वो मैं डायरेक्ट 1 कटोरी इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे पहले से कुछ भूना वगैरह नहीं है। कुछ लोग इसे पहले भूनते हैं, कुछ लोग इसे पहले उबालते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने डायरेक्टली इसमें डाला और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए इसी में भून ले रही हूँ सब्जियों के साथ, अलग से हमें कुछ भी नहीं करना है। तो बस 1 मिनट मैंने इसको हिलाया, ये अच्छी तरीके से भून गई इसी में। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 कटोरी मैंने वर्मेसली ली है तो 1 कटोरी ही इसमें पानी ऐड करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जितनी आप अपनी वर्मिसली लें उतना ही पानी लें। अब इसको मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिए नहीं तो गीली हो जाएगी। और अब इसका ढक्कन लगा देंगे, 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन लगाएंगे। और ये देखिए, ये अच्छी तरीके से पक गई, थोड़ी सी कैमरे में भाप आ गई थी, और ये अच्छी तरीके से पक गई है। तो अब इसका ढक्कन हटा देंगे और अब हमें इसका बस पानी सुखाना है। और जैसे इसका पानी सूखेगा ये एकदम खिली खिली हो जाएगी। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। ये देखिए, पानी इसका सूख गया, एकदम खिली खिली ये सेवई बन के तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया लग रही है। मैं झारे से इसको हिला के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये बन गई है और इतनी टेस्टी बनी है। कुछ भी नहीं डाला है हमने इसमें, सिर्फ सब्जियाँ हैं और नमक है। तो हमारी बहुत ही टेस्टी वर्मिसली बन के एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को, बड़ों को, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच में, कभी भी आप इसे बनाइए, ये बहुत अच्छी बनती है और ठंड के दिनों में तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। आप इसी तरीके से
हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं SSZ.0505 पर। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू।